हेलो दोस्त, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ ओमान कंट्री के बारे में। ओमान में एक ऐसा कंपनी आया है जिसमें आपको कौन कौन सा जॉब है, कितनी कितनी सैलरियाँ हैं और कंपनी क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, पूरी डिटेल मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं या चाहे मेरे चैनल पर नए वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं देश विदेश कंट्री के बारे में नए नए इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। आइए दोस्तों, ओमान कंट्री के बारे में कुछ जान लिया जाए और कुछ कंपनी के बारे में भी जान लिया जाए, क्या क्या चीज़ें जॉब है ये पूरी डिटेल जान लिया जाए। पहला दोस्तों, ओमान कंट्री में सिविल इंजीनियर, यदि आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपका पगार कम से कम 580 प्लस 200 रुपये है, जो ओमान कंट्री का पैसा है। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाया जाए इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर, जो सेम प्राइस है दोस्तों। और ये सब प्राइस मैं वहाँ ओमान कंट्री के बारे में के ओमान पैसा बताता हूँ। फिर मैकेनिक इंजीनियर, यदि आप गाड़ी घोड़ा के मतलब बनाते हैं इंजीनियर हैं उनको, तो सेम प्राइस है दोस्तों। और फिर आ गया जिसबी, यदि आप जिसबी चलाते हैं दोस्तों तो आपका पगार है दोस्तों 200 प्लस 300 प्लस 200, यदि 500 हो गया आपका पगार, जो 200 रुपये आपको खाना पड़ेगा, जो ओमान कंट्री के बारे में बता रहा हूँ मैं, ओमान का पैसा दोस्तों। फिर आ गया ऑफिस में, यदि आप जॉब कर रहे हैं दोस्तों, ऑफिस में जॉब करेंगे तो आपको मिलेगा 125 प्लस 300। फिर दोस्तों आ गया आपको ऑफिस में, यदि आप जॉब करेंगे तो आपकी तनख्वाह कम से कम दोस्तों 200 और 300 प्लस 500 रुपये, जो ऑफिस सर्विस होगा, जो वहां की पैसा आपको 500 मिलेगा, वो 200 रुपये रहेगा खाने के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर आ गया बिल्डर, यदि मकान में के कोई भी काम करते हैं तो आप आसानी तरीके से ओमान कंट्री में चले जाएंगे। फिर आ गया प्लम्बर, प्लम्बर का काम करते हैं, सेम प्राइस है दोस्तों, बस 150 नेगोशिएबल विकल है। ठीक है दोस्तों, फिर प्लम्बर का है, फिर मेसन अलाउंडर, मेसन मकान जो काम है, जो यदि आप मेसन मिस्त्री उस्त्री वगैरह वगैरह काम करते हैं, अलस्तर प्लस्तर, तो आप चले जाएंगे ओमान कंट्री में। फिर आ गया दोस्तों वॉलपेंटर का भी वही प्राइज है, यदि आप ओमान में जा रहे हैं तो आप आसानी तरीके से चले जाएंगे। फिर हेल्पर में भी ओमान में जॉब है, यदि आप हेल्पर में भी जाना चाहते हैं तो आसानी तरीके से चले जाएंगे। अब हम थोड़ा बात कर लिया जाए कंट्री के बारे में, यदि आप कंट्री जा रहे हैं तो मैं यही कहूँगा, एजेंट से मिलिए, उनसे सही मशवरा लीजिए, कोई भी ओमान कंट्री में आपकी पहचान के तो उनसे पूछिए। मैं थर्मल में ओमान का जो लोकेशन है, जो बैनर होता है, जो कंपनी का नाम होता है, मैं चपका देता हूँ, और आप उसे देखिए और चेक करिए, गूगल पर सर्च मारिए, कंपनी सही लगे तो अप्लाई कीजिए, फिर जाकर ओमान कंट्री में जाइए। धन्यवाद दोस्तों।